Hello friends, welcome to Learn Stock Charts to Earn. दोस्तों आज हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं जो स्ट्रेटेजी आप इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैं हर बार बोलता हूँ कि जब हम कैंडलस्टिक का यूज करते हैं तो कैंडलस्टिक जिस तरह से प्रिपेयर होते हैं उसके हिसाब से हम उसका प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कैंडलस्टिक, राइट। तो कैंडलस्टिक में भी 15 मिनट की होगी, 5 मिनट की होगी, डेली होगी, वीकली या मंथली होगी। तो कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन हमें, उसका जो भी ड्यूरेशन है उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हम खाली क्या करने वाले हैं कि कैंडलस्टिक जिस तरह से फॉर्म होने वाली है उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे, राइट। तो उसी वजह से मैं बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं वो पूरी कैंडलस्टिक के पैटर्न के हिसाब से होने वाली है। कैंडलस्टिक का हम पैटर्न देखेंगे, वो किस तरह से फॉर्म हो रही है वो देखेंगे, और वो देखने के बाद हम जैसे कि प्राइस एक्शन होती है ना उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे। तो हम यहाँ पे खाली क्या करने वाले हैं कि जो कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्म होने वाले हैं तो वो कैंडलस्टिक हमारे हिसाब से फॉर्म होते हैं क्या वो देखेंगे। अगर वो हमारे हिसाब से, हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से अगर वो फॉर्म हो रहे हैं तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर हम इंट्राडे का चार्ट देखते हैं तो हम इंट्राडे के चार्ट ओपन करके उस पर वो कैंडलस्टिक अप्लाई करेंगे। हम शॉर्ट टर्म का चार्ट देखते हैं, शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो उसके रिस्पेक्टिव कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे और उसके हिसाब से हम, हमारे क्राइटेरिया में अगर वो बैठता है तो उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करेंगे। वैसे ही वो एप्लीकेबल रहेगा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। तो जनरली हमें कुछ भी लेना देना नहीं है कि हम यहाँ पे इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में। हम यहाँ पे खाली कैंडलस्टिक का पैटर्न देखेंगे और वो पैटर्न के हिसाब से हमें अगर ब्रेकआउट मिलता है तो उस ब्रेकआउट पे हम ट्रेडिंग करेंगे, राइट दोस्तों। तो जैसे कि आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन 15 मिनट्स का हो सकता है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारे कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन डेली हो सकता है, यानी एक कैंडलस्टिक हमारी एक दिन की हो सकती है। अगर हम मिड टर्म के लिए वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे तो कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन हम चेंज करके वीकली करेंगे, और अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम मे बी वीकली या हम मंथली भी कैंडलस्टिक यूज कर सकते हैं। तो कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है दोस्तों यहाँ पे, लेकिन कैंडलस्टिक का जो पैटर्न बन रहा है ना वो पैटर्न हर एक स्ट्रेटेजी में एक जैसा ही होगा। यानी कि अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं और हमारे कैंडलस्टिक 15 मिनट की है तो 15 मिनट के कैंडलस्टिक पे जो पैटर्न बनता है अगर वो हमारे क्राइटेरिया के हिसाब से बनेगा तो हम उसमें ट्रेडिंग करेंगे, और इंट्राडे के 15 मिनट में जो पैटर्न बन रहा है वैसा ही पैटर्न अगर डेली चार्ट में, अगर शॉर्ट टर्म के लिए वैसा ही पैटर्न बनता है तो वही पैटर्न यूज करके हम शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करेंगे। अगर उस तरह का ही पैटर्न हमें वीकली चार्ट पे दिखता है तो वहां पे हम फिर से ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन हमारा ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, राइट। और लॉन्ग टर्म में अगर हम मंथली चार्ट लेते हैं तो उस तरह की ही कैंडलस्टिक हम ढूंढेंगे और वही क्राइटेरिया हम अप्लाई करेंगे और उसके हिसाब से ही हम ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग करेंगे, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग हो सकती है। यानी स्ट्रेटेजी एक ही है लेकिन वो स्ट्रेटेजी यूज करके हम अलग अलग ड्यूरेशन के, अलग अलग ड्यूरेशन के हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, राइट दोस्तों। तो और एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इस तरह का ब्रेकआउट अगर आप सही समय पे पकड़ लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। इंट्राडे में भी अगर आप इस तरह के पर्टिकुलर स्टॉक इस तरह का ब्रेकआउट दे रहा होगा और उसे अगर आप राइट समय पे पकड़ लेंगे ना तो आपको 1% या मोर देन 1% भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। शॉर्ट टर्म में भी आपको 5% 10% तक का रिटर्न मिल सकता है, वैसे ही मिड टर्म लॉन्ग टर्म पे रखेंगे तो आप वैसे ही आपका रिटर्न भी बढ़ जाएगा। लेकिन इंट्राडे में रहेगा तो हम एक दिन में निकालेंगे, शॉर्ट टर्म में रहेगा तो हम यहाँ पे एक वीक से एक महीना तक रुक जाएंगे और एक मंथ के अंदर हमारा प्रॉफिट निकाल के बाहर आ जाएंगे, और हमारा जो बेसिक रूल रहता है ना 3%, 5% फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, वो यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। मिड टर्म के लिए रहेगा तो हम यहाँ पे 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक रुकेंगे और वहां से भी प्रॉफिट निकालेंगे, और जब हम लॉन्ग टर्म का बोलते हैं तो मोर देन 6 मंथ या मोर देन 1 ईयर भी हम वहाँ पे रुकेंगे और जितना भी ज्यादा हो सके उतना हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। हर तरह की स्ट्रेटेजी में हम पार्शियल प्रॉफिट बुक करेंगे हमारा पहला टारगेट आने पे, और रिमेनिंग जो भी हमारे टारगेट्स है वो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ रखेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हमें खाली कैंडलस्टिक पे ही वर्क करना है, इंट्राडे में हमारे कैंडलस्टिक रहेंगे 15 मिनट्स के, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे कैंडलस्टिक रहेंगे डेली एक दिन के, मिड टर्म में वीकली कैंडलस्टिक रहेंगे और लॉन्ग टर्म में मंथली कैंडलस्टिक रहेंगे। खाली कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन चेंज हो रहा है दोस्तों, पैटर्न वही रहने वाला है, स्ट्रेटेजी वही रहने वाली ही वही रहने वाली है, ब्रेकआउट भी वही रहने वाला है और हमारी एंट्री और एग्जिट पोजीशन भी एक जैसी ही होने वाली है, राइट दोस्तों।
तो ये जो स्ट्रेटेजी है इसका नाम मैंने दिया है नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाला है इस वीडियो में मैं खाली आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये स्ट्रेटेजी किस तरह से है, किस तरह से हमें ये पर्टिकुलर चार्ट पे ये किस तरह से कैंडलस्टिक फॉर्म होते हैं, वो फॉर्म होने के बाद हमें किस तरह से एंट्री करनी है, किस तरह से एग्जिट करना है, उसका थेरेटिकली कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसकी थ्योरी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। इसे हमें क्या करना है, अगर ये पैटर्न हमें मिलता है तो हमें क्या करना है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन चार्ट पे इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, चार्ट पे हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, हम इसमें कब पोजीशन बनाएंगे, इसका स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है और इसका टारगेट क्या रहने वाला है, ये हम चार्ट पे देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम वो नहीं देखेंगे दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं खाली इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए बना रहा हूँ। इसमें आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा कि ये स्ट्रेटेजी क्या है, किस तरह से वर्क होने वाली है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है मैं इंट्राडे पे बनाऊंगा यही स्ट्रेटेजी यूज करके, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जांपल यानी एक चार्ट ओपन करूंगा और चार्ट पे आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होता है, पैटर्न फॉर्म होने के बाद हमें एंट्री और एग्जिट हमें किस तरह से करनी है। ये एक हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इंट्राडे के लिए। उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा होने वाला है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पे, राइट। तो हम कोई चार्ट ले लेंगे, हमारा ड्यूरेशन रहेगा डेली, एक कैंडलस्टिक एक दिन की रहेगी, उस पे हम वही पैटर्न देखेंगे और उस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो पैटर्न अगर हमें मिलेगा तो वो पैटर्न मिलने के बाद हम उस पे कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी हम एंट्री और एग्जिट, यानी हम अगर उसमें बाय कर रहे तो बाय कौन सी पोजिशन पे हम करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा और हमारा टारगेट कहाँ पे रहेगा। उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा मिड टर्म के लिए रहेगा और उसका नेक्स्ट जो हमारा आखिर वाला वीडियो रहेगा इस सीरीज का, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो टोटल कुल मिला के ये हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो हो जाएगा, सेकंड वीडियो इंट्राडे पे रहेगा, थर्ड शॉर्ट टर्म पे रहेगा, फोर्थ मिड टर्म पे रहेगा और फिफ्थ जो रहेगा वो लॉन्ग टर्म पे रहेगा। तो एक ही स्ट्रेटेजी लेकिन हर तरह की ट्रेडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो देखेंगे तो आप वन बाय वन नेक्स्ट भी वीडियोस देख लेंगे तो आपको सिक्वेंशियली पता लग जाएगा कि यही स्ट्रेटेजी इंट्राडे में भी आपको कितनी अच्छी तरह से प्रॉफिट देती है, फिर शॉर्ट टर्म मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में भी किस तरह से देती है। दोस्तों हमने एक शॉर्ट टर्म के अगर आप मेरे चैनल पर जाएंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट टर्म की एक स्ट्रेटेजीज के लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें हमने एक स्क्वीज ब्रेकआउट बोल के एक मैंने एक स्ट्रेटेजी पहले से ही डाली हुई है। तो जो स्क्वीज ब्रेकआउट जो स्ट्रेटेजी थी ना, तो वही स्ट्रेटेजी पे डिपेंड रहकर मैं ये स्ट्रेटेजी आपको बता रहा हूँ। वो स्ट्रेटेजी जो स्क्वीज ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें मैं मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल कर रहा था और उसके साथ मैं कैंडलस्टिक का कंपैरिजन करता था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज डालेंगे ही नहीं, राइट। मूविंग एवरेज जो भी हम डाल रहे थे उसे मैं पूरा निकाल ही दूंगा यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे टेक्निकल इंडिकेटर पे इस्तेमाल टेक्निकल इंडिकेटर पे हम यहाँ पे डिपेंड नहीं रहने वाले, हम यहाँ पे खाली कैंडलस्टिक के प्राइस एक्शन पे ही डिपेंड रहने वाले हैं, राइट। तो ब्रेकआउट पे ही हम यहाँ पे डिपेंड रहेंगे, राइट। तो अगर आपने वो स्ट्रेटेजी देखी होगी तो आपको मालूम होगा दोस्तों, अगर आपने वो स्ट्रेटेजी नहीं देखी, वो स्ट्रेटेजी भी शॉर्ट टर्म के लिए थी, तो वो भी स्ट्रेटेजी आप देख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, वो भी बहुत ही अच्छी तरह से काम करती है। मूविंग एवरेज के साथ कैंडल का फॉर्म होना और उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करना, तो हमारी कंफर्मेशन जो रहती है ना टारगेट हिट होने की, वो बहुत ही बढ़ जाती है। तो वो भी स्ट्रेटेजी आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं उसकी भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, तो वहां से वो वीडियो देख लीजिए, वो भी बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी और बहुत अच्छी तरह से रिटर्न देती है, तो उसकी लिंक मैं डाल देता हूँ। तो वो जो स्ट्रेटेजी थे उस की तरह ही ये स्ट्रेटेजी वर्क होने वाली है, ओनली डिफरेंस इतना ही है कि मैं यहाँ से जो भी हम मूविंग एवरेजेस जो डालते थे वो स्क्वीज ब्रेकआउट की जो स्ट्रेटेजी थी उसमें, वो मैं यहाँ से निकाल दूंगा और हम यहाँ पे खाली कैंडलस्टिक लेंगे और उसके ही प्राइस एक्शन पे हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि स्ट्रेटेजी का नाम मैंने नैरो रेंज ब्रेकआउट दिया है और ये स्ट्रेटेजी हर तरह की ड्यूरेशन में अप्लाई होती है। तो चलिए दोस्तों जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, तो यही ये स्लाइड पे मैंने बताया है, तो ये समझ लेने की कोशिश करते हैं कि नैरो रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी किस तरह है, किस तरह से कैंडल्स फॉर्म होते हैं और हमें किस तरह से ट्रेडिंग करनी है, राइट दोस्तों। तो नैरो रेंज ब्रेकआउट में क्या होता है दोस्तों, एक छोटे अगर हम देखेंगे तो कभी कभी बड़े कैंडलस्टिक फॉर्म होते हैं, अगर हम हाई लो का डिफरेंस निकालेंगे या ओपन क्लोज का डिफरेंस निकालेंगे तो कैंडलस्टिक की बॉडी बहुत ही बड़ी रहती है, राइट दोस्तों। तो अगर हमें कैंडलस्टिक बहुत ही बड़ी मिल रही है, यानी ओपन और क्लोज में डिफरेंस मोर देन 1%, मोर देन 1.50% है, तो उस तरह के कैंडल्स हमें अवॉइड करने हैं, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे नैरो बोल रहा हूँ तो जितना भी हमें हमारे रेंज में आने वाला है वो पूरा नैरो ही होने वाला है, जो कैंडलस्टिक फॉर्म होने वाले हैं वो भी बहुत ही छोटे छोटे फॉर्म होने चाहिए, राइट। तो ये पहली कैंडल है, ये दूसरी कैंडल रहेगी, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ।
तो इस तरह का पैटर्न हमें मिलना चाहिए। इस तरह का पैटर्न हमें क्या बोलता है कि जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पे बन रहे हैं ना, वो बहुत ही छोटे बन रहे हैं। इसका ओपन और क्लोज लगभग नजदीक है, राइट। जो भी हाई और लो, यानी जो भी शेडोज इसके बन रहे हैं, तो हाई और लो भी ज्यादा बहुत दूर जाके नहीं बन रहे हैं, राइट। वो भी वो बॉडी के आसपास ही जाकर बन रहा है, राइट। तो शेडोज भी छोटे हैं, ओपन और क्लोज भी नजदीक है। तो जनरली इस तरह के कैंडल्स अगर बनते हैं ना, तो इनडिसीजन हम बोलते हैं इस तरह के कैंडल्स को। डोजी भी नहीं रहना चाहिए दोस्तों। कभी कभी डोजी भी बनता है, वो भी चलता है, डोजी भी बनेगा तो भी चलता है, लेकिन डोजी बनेगा ना तो एक कैंडल पे हम नहीं करेंगे दोस्तों। कभी कभी कैसा होता है कि डोजी इंडिसीजन रहता है, लेकिन डोजी अगर अगर मान लो कि ये पांच कैंडल स्टिक है, उनमें से एक कैंडल स्टिक डोजी रहेगी तो चलेगी, लेकिन बहुत सारे डोजीज बन रहे तो उसे हम अगर अवॉइड करते हैं तो ही ठीक है, राइट। डोजी पूरे नहीं होने चाहिए, एक या दो डोजी रहेंगे और बाकी के इस तरह के कैंडल स्टिक रहेंगे तो भी चलेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डोजी जैसे कि मैंने बोला एक दो रहेंगे और रिमेनिंग कैंडलस्टिक ऐसे रहेंगे तो चलेंगे, लेकिन पूरे डोजी रहेंगे तो हम उसे अवॉइड करेंगे, राइट। तो हमें क्या करना है, इस तरह का पैटर्न ढूंढना है। अभी आप ये कैंडलस्टिक को देखेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा एक लाइन में, जैसे एक लाइन अगर हम मार्क करेंगे ना, तो वो पूरी एक लाइन पे ही ये पूरे कैंडलस्टिक, जैसे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो एक ही लाइन पे ये पूरे कैंडलस्टिक ड्रॉ हुए हैं ऐसे लग रहा है, राइट दोस्तों। तो ये पूरे कैंडलस्टिक एक लाइन में ही खड़े हैं। तो इस तरह का हमें पैटर्न ढूंढना है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, एक बार फिर से अच्छी तरह से समझ लीजिए, ओपन और क्लोज इसका नजदीक होना चाहिए, राइट। ओपन और क्लोज का डिफरेंस, यानी रियल जो बॉडी रहती है वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। जो शेडोज रहते हैं ना हमारे, वो भी छोटे होने चाहिए। इस तरह की हमारी एक कैंडल स्टिक होनी चाहिए। इस तरह के कैंडल स्टिक हमें मिनिमम तीन, या मैक्सिमम कितने भी होंगे तो भी चलेगा, मिनिमम तीन तो कैंडल स्टिक होने चाहिए दोस्तों, राइट। मैक्सिमम कितने भी कैंडल स्टिक हुए तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम तीन तो कैंडल स्टिक होने चाहिए, राइट। अभी मैं यहाँ पे कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन आपको नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बोला कि कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन इंट्राडे रहेगा तो 15 मिनट रहेगा, शॉर्ट टर्म में एक दिन का रहेगा, मिड टर्म में वीकली, और लॉन्ग टर्म में मंथली रहेगा। तो हमें ड्यूरेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें खाली कैंडलस्टिक का पैटर्न देखना है, उस पर ट्रेडिंग करनी है। आप शॉर्ट टर्म के लिए करेंगे तो डेली ओपन कीजिए, उस पर कीजिए। आप इंट्राडे कर रहे हैं तो 15 मिनट का कैंडलस्टिक ओपन कीजिए, उस पर ट्रेडिंग कीजिए। हमें ड्यूरेशन का लेना देना नहीं है, हमें खाली पैटर्न देखना है, प्राइस एक्शन देखनी है, ब्रेकआउट देखना है और ट्रेड करना है, राइट। तो अगर आप इस कैंडलस्टिक को देखेंगे तो आपको पता लग रहा है कि ये एक ही लाइन में ये कैंडलस्टिक प्रिपेयर हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं, राइट। तो इस तरह के कैंडलस्टिक अगर एक ही लाइन में हमें कहाँ पे दिखते हैं, और जिसकी बॉडी छोटी है, उसके शेडोज भी छोटे हैं, तो ये अगर टोटल पैटर्न देखेंगे तो ये टोटल पैटर्न हमें नैरो दिख रहा है, राइट। तो इसलिए हम इसे नैरो रेंज कहते हैं। और फॉलोड बाय अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो उस पर हम ट्रेडिंग करेंगे, राइट दोस्तों। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि इस तरह के कैंडलस्टिक हमें दिखने चाहिए, पूरा डोजी का पैटर्न नहीं बनना चाहिए, यानी पूरे पांच के पांच कैंडलस्टिक डोजी नहीं होने चाहिए। एक दो डोजी रहेंगे और बाकी के दो तीन इस तरह के छोटे कैंडलस्टिक रहेंगे विथ कलर, तो वो अच्छी बात है, वो अच्छी तरह से वर्क होती है। और एक बात दोस्तों, इसमें जो कलर्स क्रिएट हो रहे हैं ना, कोई कभी ग्रीन कलर रहेगा, कभी रेड कलर रहेगा, तो कलर से भी लेना देना नहीं है। हमें खाली इस तरह के कैंडलस्टिक एक लाइन में नैरो रेंज में प्रिपेयर हुए हुए होंगे, तो इस तरह का पैटर्न ही हमें चाहिए, उस पे हम ट्रेडिंग करेंगे। अभी ट्रेडिंग किस तरह से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर और नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी यहाँ पे कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं, ये पहली कैंडलस्टिक है, ये दूसरी है, ये तीसरी, चौथी और पांचवी कैंडलस्टिक है, इनमें से जो कैंडलस्टिक का हाई सबसे हायर है ना, उस पे हम एक लाइन मार्क करेंगे, और जो कैंडलस्टिक का लो सबसे लोअर है ना, उस पे हम एक लाइन मार्क करेंगे, राइट। तो ये दोनों लाइन हमने मार्क्स कर दी, राइट, दोनों लाइन हमने मार्क कर दी। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट कैंडल, अगर ये जो हमारी जो लाइन थी या जो भी कैंडलस्टिक का जो हाई था, अगर हम इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम उसकी प्राइस रेंज अलग रखेंगे ब्रेकआउट की, और डे ट्रेडिंग में, सॉरी, डेली बेसिस पे कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, वीकली पे कर रहे हैं या मंथली पे कर रहे हैं, तो उसका ब्रेकआउट का रेंज अलग रहेगा। यहाँ पे मैं वो रेंजेस आपको नहीं बताऊंगा, यहाँ पे मैं खाली आपको इतना ही बताऊंगा कि हमें क्या करना है, कि जो भी हायर हाई वाली कैंडल है उसका हाई मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जो भी लोअर लो है उसका लो मार्क करना है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। हमें क्या करना है ट्रेडिंग करने के लिए, अगर उसका जो हाई है रहता है वो कैंडल का, वो अगर ऊपर की साइड में ब्रेक होगा तो हमें वहां पे बाय करना है, अगर उसका लो ब्रेक होगा नीचे की साइड में तो हमें सेल करना है, राइट दोस्तों। हम इंट्राडे करेंगे तो सेल करेंगे, और अगर आप खाली शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म में अगर आप बाइंग की पोजीशन करना पसंद करते तो वहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, अगर उसका हाई ब्रेक होता है ऊपर के साइड में। तो बस दोस्तों, आप यही सेटअप है, यही पैटर्न है, यही करना है हमें। यहाँ पे हमें खाली
जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि हम ये स्ट्रेटेजी हर तरह के ड्यूरेशन में अप्लाई करने वाले हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से हमारे कैंडलस्टिक का ड्यूरेशन चेंज होगा, उससे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है, हमें खाली पैटर्न देखना है, उस पर ट्रेडिंग करनी है। तो पैटर्न इस तरह का होने वाला है, हमारे कैंडलस्टिक बहुत ही छोटे रहने वाले हैं, एक ही लाइन में फॉर्म होने वाले हैं, एक नैरो रेंज में फॉर्म होने वाले हैं। मिनिमम 3 कैंडलस्टिक, मैक्सिमम जितने भी होते हैं उतने हम फॉर्म होने देंगे। हम उसका जो हायर हाई है, जितने भी हमारे कैंडलस्टिक जो बन रहे हैं ना, उसमें का हम हायर हाई देख के वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे, और लोअर लो देख के हम वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। कभी भी हाई हमारा ब्रेक होता है तो हम वहां पे बाय करेंगे, और कभी भी हमारा लो ब्रेक होता है तो वहां पे हम सेल करेंगे। बस इतना ही हमारा सेटअप है, यहाँ पे मैंने बताया है। अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम बाय करेंगे, स्टॉक ऊपर चला जाएगा। अगर वो लो ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, स्टॉक नीचे जाएगा। तो इतना ही सेटअप है, इतना ही पैटर्न हमें देखना है। हाई लो मार्क करने हैं, हाई ब्रेक होता है तो बाय करना है, लो ब्रेक होता है तो हमें सेल करना है, बस इतना ही है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि इस वीडियो में मैं आपको खाली इंट्रोडक्शन पर्पस के लिए उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वही बताऊंगा। हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस होने वाले हैं उसमें मैं आपको विथ एग्जाम्पल एंट्री कब करनी है, एग्जिट कब करना है, यानी टारगेट कहाँ तक लगाना है, स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए, एंट्री हमें कौन सी पोजीशन पे करनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन में जब आपको मैं चार्ट ओपन करके एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो वहाँ पे आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे थ्योरेटिकली मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इतना ही ध्यान में रख दीजिए कि इस तरह का पैटर्न मिलेगा तो वहाँ पे हम अभी जैसे मैंने बोला उस तरह के हम ट्रेडिंग करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, तो आप एक दो बार ये वीडियो देख लीजिए, बहुत ही फायदे में आने वाला है। बहुत ही अच्छी तरह से स्ट्रेटेजी काम करती है और बहुत ही फास्टली आपको रिटर्न दे देती है। वो मे भी इंट्राडे रहेगा, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म रहेगा, आपको हर एक तरह की ट्रेडिंग स्टाइल में आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी तरह से प्रॉफिट देगी ही देगी, राइट दोस्तों। तो आप खाली यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए इतना ही समझ लीजिए कि हमें इस तरह का पैटर्न ढूंढना है, उस पर ट्रेडिंग करनी है। तो अगले वीडियोज में हम विथ एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जैक्टली हमें किस तरह से टारगेट, स्टॉप लॉस और बाइंग लेवल्स डिफाइन करने हैं, राइट दोस्तों। तो मुझे लगता है जितना भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। दोस्तों ये मेरा चैनल है लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, और जितने भी मैंने पॉसिबल वीडियोस बनाए हैं वो एक बार देख लीजिए, आपको लगता है मीनिंगफुल तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।